फर्स्ट एचपी इंडिपेंडेंट कंपनी के द्वारा जिला सिरमौर के 3 महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स को सी और बी सर्टिफिकेट के लिए फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग 7 से लेकर 13 फरवरी तक चलेगी। इस ट्रेनिंग कैंप में एनसीसी कैडेट्स को फौज के रिगार्डिंग मैपिंग, वेपन हैंडलिंग, ड्रिल, गार्ड मॉनिटरिंग और फायरिंग करवाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को चंबा ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स के लिए गेम्स आयोजित किए गए। गेम्स में खो खो, गार्ड मॉटिंग, रस्सा कसी करवाई गई। इन सभी एनसीसी कैडेट्स को ग्रुप कमांडर एनसीसी शिमला ग्रुप ने कैडेट्स को इनाम वितरित किए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और उन्हें बधाई भी दी। ग्रुप कमांडर एनसीसी शिमला ग्रुप मनोज खंडूरी ने कहा कि आज प्रदेश की बेटियां एनसीसी के जरिए फौज के अहम पद पर असीन होकर देश की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि प्रदेश की बेटियां एनसीसी ट्रेनिंग में बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी लेकर फौज के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में 12 एनसीसी यूनिट हैं। स्कूल और कॉलेज में इन बच्चों को एनसीसी के जरिए फौज के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यूनिट वाइज एनसीसी कैडेट्स के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। इस बार नाहन में इस ट्रेनिंग कैंप को आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों को अनुशासित और फौज के लिए तैयार किया जाता है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं ग्रुप कमांडर एनसीसी शिमला ग्रुप, जिनके नीचे 12 यूनिट से पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी हर कॉलेज और स्कूल में भी है, जिसमें हम अपने बच्चों को पूरे मिलिट्री ट्रेनिंग करवाते हैं, सोशल सर्विस करवाते हैं। आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी होगी इस साल जिनमें एनसीसी के कैडेट्स ने भाग लिया था। हमारी ट्रेनिंग जो इनका होता है साल की, ये कल्मिनेट होती है एक ट्रेनिंग कैंप में, और वो ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं हर यूनिट वाइज। इस बार नाहन का जो ट्रेनिंग हो रही है वो एज अ पार्ट ऑफ उनके जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बी एंड सी सर्टिफिकेट के लिए, ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो रहा है यहाँ नाहन में। और जैसे कि मैं ग्रुप कमांडर हर जगह जा चुका हूँ ट्रेनिंग अटेंड करने, एक तो देखने की क्या ट्रेनिंग हो रही है, और अपने कैडेट्स को भी शाबाशी देने, अपने कैडेट्स को भी मोराल बूस्ट करने। तो मैं यहाँ आया हूँ नाहन में ट्रेनिंग देखने, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, कैडेट्स यहाँ के भी काफ़ी मोटिवेटेड, और मुझे बहुत अच्छे दिखे। मेरी यही आशा है कि हमारे बच्चे अच्छे करें, इसी ट्रेनिंग के बाद मैक्सिमम आर्म फोर्सेस में जाएं, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। ऐसे डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब बच्चा कॉलेज से आगे जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है, वो इन्फॉर्मेशन एनसीसी में नहीं आती वापस। हाँ, जो हमारे को जो हमारे बच्चे आर्म फोर्सेज में जाते हैं तो वो डेटा हमारे पास रहती है, क्योंकि ये हमारे रिक्रूटिंग जोन से हम चेक करते रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, आर्म फोर्सेस में मैक्सिमम बच्चे जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो। ऑफिसर्स कार्डन में कम है अभी शुरुआत हमारी, तभी ये कोशिश है कि ट्रेनिंग हम दें इनको एसएसबी के लिए, ताकि मैक्सिमम हमारे बच्चे ऑफिसर्स कार्डन में भी जाएं। जहाँ भी मैं गया हूँ, हमारी जो पूरी एनसीसी यूनिट्स हैं, वहाँ से जो कॉलेजेस, जो हमारे स्कूल्स में हम एनसीसी कैडेट से मिल रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है हिमाचल में जो हमने ये देखा कि हमारी गर्ल कैडेट्स, दे आर एक्सेलिंग, एक्सट्रीमली गुड। आई फाइंड दे आर मोटिवेटेड, दे वर्क मच हार्डर इवन देन द बॉयज, एंड आई एम वेरी श्योर कि हिमाचल की गर्ल्स विल डू वेरी वेल आगे जाके, बोथ इन आर्म फोर्सेज और जो भी प्रोफेशन में जिसमें जाते हैं। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नाहन से ब्यूरो रिपोर्ट।